हसीरन क्षेत्र के ग्राम रिहुआ में एक परिवार अपने खेतों में पानी लगा रहा था। इंजन से पानी लगाया जा रहा था। महिला सरला देवी पत्नी कुमकरण इंजन के पास गोबर की उपले बना रही थी। हाथों को धोने के लिए इंजन के पास जैसे आई, साड़ी फंस जाने से महिला घायल हो गई। घर वालों ने इसकी सूचना डायल 108 नंबर पर की। एम्बुलेंस की सहायता से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर पवन वर्मा ने तीवरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। उन्होंने बताया कि महिला की साड़ी फंस जाने से पेट और सर में अधिक चोट होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचते समय महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक सरला देवी प्राथमिक विद्यालय रिहुआ में रसोईया के पद पर कार्यरत थी। विगत कई से खाना बनाकर बच्चों को खिलाती थी। परिवार में तीन लड़के और एक लड़की है, जिसमें बड़ी लड़की की शादी कर दी है। वही दो बच्चे नाबालिग, वही एक 18 वर्ष की उम्र का है। युवक मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मौत का समाचार सुनते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। मैं खेत में पानी लगा रही थी अपने सब परिवार के साथ। वहाँ पर खाना लेके पहुँची तो जी, वहाँ पर पहुँची हैं तो इंजन के पास से मतलब निकली तो वहाँ पे धोती इनकी फंस गई इंजन से। इंजन से जब धोती फंसी तो हमने देखा कि एकदम इंजन बंद हो गया, तो दौड़ कर वहाँ पे आई। जब तक इनके जो है सर और चोट लग गई बहुत गंभीर हालत में। चोट लगी देखा इनका पेट भी और सर में खपड़ी फट गई और पेट इनका फट गया था। वहाँ से तुरंत हसीरन के लिए 108 एम्बुलेंस लगाई तो वहाँ से गई। जब हसीरन पहुँची तो फिर डॉक्टर साहब ने रिफिल किया कन्नौज तिरवा के लिए। जी, तिरवा के लिए। तो वहाँ पर पहुँचते ही इनने दम ज्यादा तोड़ दिया। वहाँ तक पहुँचने पे मेडिकल पहुँच ही पाई थी। BCN न्यूज के लिए कन्नौज से पूनम शर्मा की खास रिपोर्ट।